हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम की मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे फैरड थ्योरम बेस्ड, बायनोमियल थ्योरम बेस्ड और अलजेब्रिक थ्योरम बेस्ड और नेगेटिव कॉन्सेप्ट के बेस पर। और आज मैं आपको जो वो फॉर्मूला पढ़ाता नेगेटिव सॉरी रिमाइंडर थ्योरम का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसके बेस पर करवाऊंगी। तो देखिए, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन कैसे ट्रिकी आते हैं, कैसे आपको रिमाइंडर निकालना होता है, कभी क्वेश्चन कभी डिविडेंड कभी डिविजर, इस वीडियो में देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 48 एंड द डिविडेंड इज, आपसे क्या कह रहा है, डिवीजर जो है वो 12 टाइम्स है क्वोशेंट का और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर हमारा 48 है, तो डिविडेंड क्या हुआ। तो डिविडेंड मतलब एक तरह से नंबर ही आपसे पूछ, तो इसमें हमें डिवीजर पता होना चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए, रिमाइंडर हमें ऑलरेडी पता है। तो रिमाइंडर से हम देखिए क्या क्या निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इधर आइए, जो आपको दे रखा है वो आप पहले इधर लिखिए। रिमाइंडर हमारा 48 दे रखा है, अब उसमें क्या कह रहा है, जो डिवीजर है वो 12 टाइम्स है क्वेश्चन का और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का। जो हमारा डिवीजर है वो 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, यानी रिमाइंडर 48 है, तो हमारा डिवीजर जो है वो क्या होगा, 5 टाइम्स कर दीजिए, तो इसका जो 5 टाइम्स करोगे तो 240 हमारा डिवीजर आ जाएगा। ये 240 आ गया हमारा डिवीजर। अब बस क्वोशेंट और बचा, क्वोशेंट क्या कह रहा है, जो डिवीजर है वो 12 टाइम्स है क्वोशेंट का, तो क्वोशेंट उसका 1/12 होगा ना, 1 जब वो 12 टाइम्स ज्यादा है डिवीजर क्वोशेंट से, तो क्वोशेंट उसका 12 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 240 अपॉन 12, यानी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20। अब आप डिविडेंड निकाल सकते हो, मतलब नंबर इजीली आप निकाल सकते हो। तो डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यानी ये आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी, सॉरी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4848। अब आप यह देख रहे हो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो आपका एक और ऑप्शन दे रखा होगा none of these, यानी करेक्ट होगा 4848। कितना इजी था, देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्या चीज दे रखी है, उससे आप और क्या क्या निकाल सकते हो, फिर डिवीजन हमने देख लिया, फिर डिवीजन से आप क्वेश्चन की लिंक कर सकते हो, इस टाइप से आपको निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, अभी और भी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आपके आएंगे। एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है इसके सम से, 555 और 445 से, तो वो 2 टाइम्स होता है, देखिए आ गया ना, 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वेश्चन एंड 30 एज अ रिमाइंडर। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका सम निकालिए पहले तो नंबर। एक नंबर डिवाइड होता है इसके सम से, यानी डिवीजर निकालिए आप, जब ये करोगे तो इसका डिवीज 1000, जो भी नंबर है वो डिवाइड होता है तो वो डिवीजर होता है ना, जिससे डिवाइड होता है डिवीजर, और जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड कह लो या नंबर कह लो, ठीक है, तो मैं डिविडेंड ही बोलूंगी। तो डिवीजर आपका आ गया 1000, ये आपका डिवीजर आ गया आपका 1000। आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो उसका सम है, दोनों का जो ही सम है 1000, वो 2 टाइम्स है देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस के 2 टाइम्स है, और वो उसका क्वोशेंट हो जाएगा अगर जो डिफरेंस निकल इसका। देखिए लैंग्वेज समझिए, ट्रिक में कुछ नहीं, लैंग्वेज समझिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व ये वाला समझिए। इसका मतलब ये है, पहले आप जो ये नंबर है इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 110, तो वो क्या कह रहा है, और इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, इसका जैसे ही 2 टाइम्स करोगे यानी 220, तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन, वो वर्क करेगा क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्यू भी आ गया हमारा 220, क्यू हमारा आ गया 220 और रिमाइंडर ऑलरेडी इसमें दे रखा है 30। ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए डिविडेंड निकालने के लिए 3 चीज जरूरी होती है, तो एक चीज आपको क्वेश्चन में जरूर दी जाएगी और दोनों चीज घुमा फिरा के कैसे ना कैसे लिंक होगी, जैसे इसमें सम से मिलके बना डिवीजर, सम जो हो गया 2 नंबर का जिससे डिवाइड होता है वो डिवीजर, इन दोनों के सम से यानी 1000 से डिवाइड हो रहा है। अब आ जाइए, वो क्वोशेंट कह रहा है कुछ की, वो क्वोशेंट आ जाएगा, लेकिन क्वोशेंट कैसे आएगा, जब हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, गिव 2 टाइम्स देयर डिफरेंस, नंबर के डिफरेंस का, लैंग्वेज की है। और अब आसान
आसानी से आप नंबर निकाल दीजिए यानी डिविडेंड आप निकाल दीजिए, तो 1000 इंटू 220 प्लस 30 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है डिवीजन का, जिसका रिमाइंडर जीरो है, मतलब रिमाइंडर है नहीं, जीरो है, पूरा पूरा डिवीजन है। एक कैंडिडेट ने जो डिवीजर है उसको 12 ले लिया, लेकिन उसे लेना क्या था, डिवीजर 21 से डिवाइड करना था, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया 12 से, तो जो क्वेश्चन आया है वो 35 आया है। अब बताओ अगर वो 21 से जो डिवाइड करना था एक्चुअल में, तो क्वेश्चन क्या होता। तो सबसे पहले हम इसका रॉन्ग वाला निकालते हैं नंबर, ठीक है, ये क्या कह रहा है, उसने डिवीजन ले लिया गलती से 12 और उसका क्वेश्चन कितना आ गया 35, ठीक है, और रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो है। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें नंबर निकाल सकते हो, डिविडेंड मतलब 12 × 35 नंबर क्या निकलेगा, ये आपका नंबर आ गया, डिविडेंड आ गया। अब बस अब वो कह रहा है क्वेश्चन रियल क्या होगा, 21 लेगा नंबर को 12, जो जब 12 से डिवाइड किया था इस नंबर को, तो क्वेश्चन 35 आ रहा था, अब इस नंबर को ही, नंबर थोड़ी ना चेंज हुआ, नंबर को ही 21 से डिवाइड कर दो, तो बस सबको पता है ये 20 टाइम्स आएगा, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन 20, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं अगर लैंग्वेज समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हर टाइप का मैं क्वेश्चन करवाने की ट्राई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉजिक, एक नंबर है जिसको 899 से डिवाइड करते हैं, तो तुरंत पहचान लीजिए डिविजर हो गया जिससे डिवाइड कर रहे हैं 899, और रिमाइंडर है 63, तो रिमाइंडर क्या होगा जब सेम नंबर डिवाइड किया जाएगा 29 से, सेम नंबर डिवाइड किया जाएगा 29 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एजेंट बोल दीजिए, नंबर कैसे निकालते हैं, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, अब इसमें कहीं भी हमारा क्वेश्चन तो है नहीं, तो क्यू का क्यू लिख दीजिए प्लस 63, यानी आपका नंबर आ गया 899 क्यू प्लस 63, ये आपका नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, इसी नंबर को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो अपॉन 29। तो एक चीज आप देखिए, जरा आप 899 को पहले डिवाइड करके देखिए जा रहा है या नहीं, हाँ ये पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी इधर जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, पूरा पूरा 29 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचा 63 अपॉन 29, भाई इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, देखिए 89 q/29 प्लस 63/29 ऐसे करके हम लिख सकते हैं, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर जीरो, अब बचा जो इसका रिमाइंडर आएगा वही तो आएगा, आप इसका जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, इसे करके 29 टू जा हमारा होता है 58, तो 59 60 60 63, टोटल 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा, तो आंसर ए इज करेक्ट। इस टाइप के आपके आते हैं, मैं एक और इसी टाइप का कर लूं आपको बिल्कुल तब समझ आ जाएगा। एक नंबर है और देखिए हमेशा इसमें ना ऐसा ही देगा, इसमें कभी भी ये नहीं देगा कि डिवाइड ना हो रहा हो, हमेशा ऐसा ही आपको नंबर देगा, ये जो डिविजर जो इसमें पूरा जा रहा होगा जिससे आप वैल्यूज की निकाल सके, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। एक नंबर है डिवाइड होता है 126 से, तो रिमाइंडर 36 आता है, अगर वही नंबर 17 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा आंसर, सेम नंबर क्या बन गया हमारा, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो नंबर ये बन गया। अब इसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो सबको पता है 17 136 पूरा पूरा जा रहा है, यानी बचा ये, तो 36 से कितना जाएगा, क्योंकि देखिए अब देखिए फिर से इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे लिखिए, ये तो पूरा पूरा डिवाइड होकर जीरो रिमाइंडर दे रहा है, क्योंकि इसका मल्टीपल है 78 सा, और इससे कितना जाएगा 72 से 34 होता है, तो ये 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 36 में तो 34 माइनस करेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप से देखिए हर टाइप का आपका एक दो दो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर का डिफरेंस, अगर दो नंबर की बात हो रही है, सपोज ए और बी दो नंबर है जिनका डिफरेंस 1365 है, जब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन उसका 6 आता है, तो रिमाइंडर 15, तो बता
का ये स्मॉलर नंबर क्या है। अच्छा अब आप ये मान लीजिए मैंने ए और बी टू नंबर मान ली है, तो बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करूंगी, तो ए वैसे जब मैं माइनस करती हूँ दोनों नंबर का डिफरेंस, तो ये आता है 1365। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, जब लार्जर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड किया जाता है, तो लार्जर क्वेश्चन 6 और रिमाइंडर, तो ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो ए हो गया हमारा डिविडेंड और बी जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर। तो ए इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना कह रहा है 6 प्लस रिमाइंडर, यही है यानी ए इज इक्वल टू 6b प्लस 15। अरे देखो बच्चों ये आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर सुनो, ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, क्योंकि लार्जर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बी से, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है और जिसको डिवाइड करते हैं वो नंबर कह लो या डिविडेंड कह लो, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू 6 ये बन गया। ठीक है अब हमें स्मॉलर नंबर निकालना है यानी हमें बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी को हमने छोटा माना है इससे डिवाइड करो, तो बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहां से आप ए को क्या लिख सकते हो बी प्लस 1365 ये लिख सकते हो ए को, तो ए की जगह अगर हम बी 1365 तो हमारा ए ही वेरिएबल रह जाएगा और हमारी इजीली 6 हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है तो ये हो जाएगा 5b और ये इसमें से आप माइनस करके इधर ले जाओगे तो आपका ये बन जाएगा, यानी v की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है यहाँ पर लिख देती हूँ, b की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 270, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपसे ग्रेटर भी पूछो दोनों नंबर बताइए तो निकाल सकते हो, अब यहाँ पर b में 1365 और ऐड कर दो, इस तरह से होते हैं आपके। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नंबर को डिवाइड किया है 13 से तो उसका रिमाइंडर 1 है, और अगर क्वेश्चन जो हमारा आया है इसके बाद नंबर को डिवाइड करके क्वेश्चन जो आया है इसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा अगर नंबर को डिवाइड करते 65 से। बस अब यहीं पर आप रुक जाइए, ज्यादा आप समझने की जरूरत नहीं है, पहले स्टेप बाय स्टेप, एक नंबर है हमारा उसको डिवाइड किया है 13 से, नंबर को डिवाइड किया है 13 से, तो नंबर क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड किया मतलब डिविजर हमारा 13 और क्वेश्चन हमें पता नहीं है और रिमाइंडर आ गया 1, तो नंबर हो जाएगा 13q+1। ठीक है अब यहाँ तक एक इक्वेशन हमारी बनी से यही छोड़ दीजिए। अब वो कह रहा है जो क्वेश्चन हमारा ऑप्टेन हुआ है, अगर अभी हमें नहीं पता लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन ऑप्टेन हुआ है, हम मान लेते हैं पी ऑप्टेन हुआ है, उसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो देखिए तो आप वो बनाइए जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी क्या बन जाएगा, जो नंबर है अब एक और नंबर हमारा क्या बन जाएगा 5, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन डिवाइडेड बाय पी, एक कुछ भी क्वेश्चन अलग है ना क्वेश्चन प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये कैसे क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, देखिए डिविडेंड क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन है ना अब हमारा वही डिविडेंड बन गया है, जो हमारा यहाँ से हमने क्वेश्चन माना है इसका जो क्वेश्चन है क्यू जो कि हमें पता नहीं है तो हमने वेरिएबल फॉर्म में माना है क्यू, वो अब क्या कह रहा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यानी इसको हमने डिविडेंड बना दिया क्वेश्चन को, तो डिवाइड कर रहे हैं डिविजर मल्टीप्लाई एक और क्वेश्चन को नया हमें नहीं पता पी प्लस रिमाइंडर 3, तो ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख के देखिए जरा, ये रख सकते हैं क्यू की वैल्यू, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने भाई, आप किसी नंबर को 13 को 65 से डिवाइड करते हो 5 टाइम्स गया, अब मैं कह रही हूँ ये जो नंबर आया है 5 इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये जो है 2 से डिवाइड कर रहे हो तो डिविडेंड बन जाएगा ना इसके लिए, ये वो वाली चीज हो गई जो क्वेश्चन है डिविडेंड बन गया ना, जब क्वेश्चन को डिवाइड किया डिविजर 5 और जो उसका क्वेश्चन न्यू आया वो हमें पता नहीं पी लिख दिया और रिमाइंडर 3, तो उसको ऐसे पुट कर सकते हैं क्यू की जगह, क्योंकि नंबर तो हमारा सेम रहेगा, वो जो नंबर है उसको आप 65 से डिवाइड करना है, प्लस 40 ये हमारा नंबर हो गया। अब हम जो ये एक्चुअल नंबर हमें मिला इसको अगर हम 65 से डिवाइड करें, इसको अगर हम 65 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 65 से, ये तो पूरा पूरा चला ही गया
यानी 40 अपॉन 65 पर जाएगा तो आंसर हमारा 40 आ जाएगा, 0 टाइम्स जाके रिमाइंडर जो हमारा आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, डी 40। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं इस वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो रह गया है। जैसे कि कोई भी नंबर है उसकी दो पावर हैं, वो प्लस में है और माइनस में है, और दोनों ही पावर उसकी सेम है, या तो इवन या ओड। तो उस वीडियो में आपको समझ आएगा, तो उसमें दो टाइप के केस बनते हैं और हर केस में वो किसका फैक्टर होता है, किसका मल्टीपल होता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट मैं कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड subscribe my channel।